गुड मॉर्निंग एवरीवन, राम राम जी। तो भाई अभी सुबह का टाइम है और आज है सैटरडे और मैं यहाँ पे समदा लाने के लिए जा रही हूँ। हमारे घर के पीछे ही हमने छई वगैरह लगाई हुई होती है ना, तो वहाँ से समदा लाऊंगी मैं आग जलाने के लिए। और यहाँ पे देखिए अभी इधर उधर थोड़ा ऐसे दिख नहीं रहा है, मतलब सूरज नहीं यहाँ पे लगा है अभी। और बस यहाँ पे समदा को लेके आऊंगी और आज मैं बनाने वाली हूँ, ये देखिए काले चने। तो ये रात को ही भिगो के रख दिए थे मैंने, तो भिगो देते हैं तो अच्छे से उबल जाते हैं, नहीं तो बहुत टाइम लगता है उबालते हुए और ना अच्छे से उबलते भी नहीं है फिर। तो कुकर में तलेवा लगा के चूल्हे पे चढ़ाया हुआ है, आग जलाई भी है और इसमें डाल देती हूँ मैं ये चने। और चने के साथ इसमें ज़्यादा कुछ नहीं डालती हूँ मैं, एक दो चीज़ें डालती हूँ बस। तो यहाँ पे चने जो है वो मैंने कुकर में डाल दिए हैं और इसमें समदा लगा रही हूँ ताकि अच्छे से आँच लग जाए ना। और यहाँ पे दीदी जो है वो भी उठ गए हैं, मतलब मेरे ननद जी। तो उठे तो क्या, उठे तो पहले है, ये मेरे से पहले उठ गए थे लेकिन अभी बाहर जैसे घूमे हुए थे, इधर उधर वॉक कर रहे थे, तो बस अभी किचन में आ गए हैं अंदर। और यहाँ पर लगी हूँ मैं आलू छीलने। तो आपको पता ही है कि मैं चने जो है ज़्यादातर किस तरह से बनाती हूँ, जो मुझे जल्दी होती है ना तो मैं इसी तरह से बनाती हूँ, ज़्यादातर वैसे इसी तरह से बनाती हूँ। आलू जो है ना इनको छील लूँगी मैं और अच्छे से धो के काट के और चने में ही डाल दूँगी साथ में उबलने को, क्योंकि ना फिर एक साथ डालते हैं तो एक साथ उबल भी जाते हैं, अच्छे से पक जाते हैं, तो जल्दी हो जाता है इस तरह से। यहाँ पे आलू जो है मैं छील रही थी तो थोड़ा सा आपको दिखा रही थी, और चने में ना देखिए यहाँ पे उबाल आना शुरू हो गया है। और ये आलू देखिए मैंने काट लिए, धो लिए और अभी मैं इनको डाल देती हूँ कुकर में, तो दोनों चीज़ें एक साथ पक जाएंगी और बाद में बस एक साथ हम फिर इसका तड़का लगाएंगे। और यहाँ पे आलू के छिलके जो है ना वो पड़े हुए थे, तो इनको मैं एक थाली में डाल दूंगी जिसमें मैंने आलू धोए थे ना, तो इन छिलकों को धो के ना मैं गाय को दे दूंगी खाने को। तो इनको ना वेस्ट नहीं डालते हम लोग, इसको गाय को दे देते हैं खाने को। गुड मॉर्निंग एवरीवन, राम राम जी, जय माता दी, राधे कृष्णा जी सभी को। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे और मैं भी ठीक हूँ और घर में सभी ठीक है। तो सबसे पहले तो आप सभी को मेरी तरफ से चैत्र मास के नवरात्रे की ढेर सारी शुभकामनाएं, और ये जो नवरात्रे हैं सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लेके आए और माता रानी जो है सभी के घर में विराजमान हों और सबके दुख दर्द कष्ट जो है ना वो हर ले। और अभी सुबह का टाइम, जैसे कि मैंने आपको दिखाया, मैंने बनाए हैं आज काले चने क्योंकि आज है शनिवार, तो शनिवार को ज़्यादातर काले चने बनाती हूँ मैं या उड़द की दाल बनाती हूँ। तो काले चने डाल दिए उबलने को और साथ में उसमें आलू भी डाल दिए, तो अगर इस तरह से बनाते हैं ना तो टाइम भी बच जाता है और जल्दी बन जाते हैं। और चने जो है ना वो मैंने रात को भिगोए हुए थे, तो भिगोए हुए चने जो हैं वो जल्दी उबल जाएंगे। साथ में हल्दी डाला है और नमक डाला है, बस हल्दी तो हमारे बिना हल्दी के कुछ भी नहीं बनता, मतलब जब हमारे घर में कुछ ऐसी घटना हो जाती है ना, जैसे घर में कोई डेथ वगैरह होती है तब नहीं डालते हमारे हल्दी, अदरवाइज़ अगर ऐसे ही हम हल्दी के बिना खाना बनाए तो हमारे यहाँ पे अपशगुन माना जाता है, बुरा माना जाता है। साथ में नमक इसलिए डाला ताकि चने जल्दी से पक जाए, भाई नमक जो है ना वो किसी भी चीज़ को पकाने में हेल्प करता है, मतलब जल्दी पकाता है। तो अभी मैं आई थी यहाँ पर गाय को छिलके देने, तो कई बार होता है ना हमारे वेस्टेज जैसे कि आलू के छिलके, और हम ये सोच के फेंक देते हैं कि इसको ऐसी, तो इसको ना धो के हम गाय को दे सकते हैं। जो गांव वाले हैं वो तो मुझे लगता है शायद सभी देते होंगे, लेकिन जो बाज़ार वाले हैं ना वो भी उनको धो के रख दे ना किसी पॉलीथीन में, और जैसे होता है ना उन्होंने किसी से दूध वगैरह लगाया होता है तो उनको दे दे, या फिर आपके कहीं मार्केट में गाय दिखती है तो उसको दे दे, तो वो खाते हैं, मतलब इनका भोजन है। तो इस तरह से करें, इसको वेस्ट ना डालें। और वैसे अभी मैं वही यहाँ पर गाय को देने आई थी, तो गाय को घास डाला था ना मैंने उसी के ऊपर डाल दिया, तो उससे फिर खा जाएगी ये उसको भी।
और अभी जा रही हूँ मैं वापस। अभी सुबह से चाय पानी कुछ भी नहीं किया है, पहले पानी पीऊँगी, चाय पीऊँगी, फिर देखती हूँ। तो मुझे उठे हुए ना कोई 1-1.5 घंटा हो चुका था और मैंने ना कुछ भी चाय पानी नहीं पिया था, तो अभी मैं यहाँ पे पानी पी रही हूँ बैठ के। जब मेरा आधा काम निपट जाता है ना, जैसे मैंने दाल सब्जी चढ़ा दी होती है, आटा गूंद दिया होता है, मतलब ऑलमोस्ट आधा काम करके उसके बाद मैं थोड़ी देर बैठती हूँ, फिर मैं पानी पीती हूँ। तो अभी मैंने यहाँ पर पानी पिया, तो मैं सुबह के टाइम ना, मेरा काफ़ी बड़ा गिलास है ये, मुझे लगता है 250 मिलीलीटर से ज़्यादा ही है ये, तो इसको पी जाती हूँ मैं पूरा, कई बार 1.5 गिलास भी पी जाती हूँ। तो सुबह खाली पेट ना पानी पीना चाहिए, कोसा गुनगुना पानी ना ज़रूर पीना चाहिए, अच्छा होता है सेहत के लिए। और यहाँ पे चाय वगैरह पीने के बाद मैं लग गई हूँ देखिए तड़का लगाने के लिए। तो सबसे पहले पतीले में डाला है मैंने सरसों का तेल, और इसको गर्म होने के बाद इसमें डाल दिया 1 चम्मच मेथी। तो मेथी को थोड़ा पकने के बाद इसमें डाल दूंगी मैं प्याज, बारीक कटे हुए प्याज मैंने यहाँ पर डाल दिए हैं इसमें, और बस इसे भून लेंगे हम, थोड़ी लाइट ब्राउन से हो जाए ना तब तक इसको भूनेंगे। और मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ ना, और यहाँ पे मेरा सार्थक जो है बहुत शोर मचा रहा है गाइस, तो इसको आप इग्नोर कीजिएगा भाई, बच्चे वाले घर में ना शोर तो हो ही जाता है। जब प्याज अच्छे से भून जाएंगे तो इसमें मैंने यहाँ पे धनिया और मिर्ची और हल्दी जो है वो डाल दी, सिंपल सा मेरा तड़का लगता है। टमाटर जो है वो नहीं है, और ज़्यादातर टमाटर आजकल हम खा भी नहीं रहे हैं भाई, क्योंकि जोड़ों के दर्द की प्रॉब्लम जो है वो है, तो खटाई से ज़्यादा होती है। और यहाँ पे चने चेक कर रही हूँ, चने जो है अच्छे से उबल चुके हैं हमारे, और अभी इसको मैं बस डाल देती हूँ तड़के में। अभी हो चुकी हूँ नाश्ता नुश्ता करके फ्री, और मुझे करने हैं दांत साफ़। तो आज मैं आपको बताती हूँ बिल्कुल देसी तरीका दांत साफ़ करने का, चलिए दिखाती हूँ आपको किससे दांत साफ़ करते थे पुराने टाइम में लोग, अभी भी करते हैं, पुराने टाइम का ही नहीं है कुछ भी। यहाँ पे ये देखिए, ये जो है ना ये अखरोट का पेड़ है हमारे यहाँ पर, और ये रही इसकी पत्ती, तो एक पत्ती मैंने ये तोड़ ली, ये देखो। वैसे तो इसका जो डंठल है ना उससे भी करते हैं, लेकिन मैंने पत्ता ही लिया है यहाँ पे, डंठल नहीं तोड़ूंगी अभी, क्योंकि उसमें ना अभी अखरोट लग रहे हैं, मतलब लगेंगे, तो डंडी नहीं तोड़ी मैंने, सिर्फ पत्ता तोड़ा है एक। और ये इतना ज़्यादा गुणकार होता है ना दांतों के लिए, बहुत ही अच्छा होता है। इसको ऐसे ऐसे फोल्ड करना है हमें, इधर से दिखेगा, ऐसे फोल्ड करना है ये, देखो ऐसे, ये ऐसे। हम जब छोटे थे तो इससे हम दांत साफ करते थे, इससे ना दांत का कीड़ा जो है वो भी मरता है। तो अभी मैं इसको काटूंगी दांत से। हाँ जी आना, देखिए ये मैंने काट दिया, और इससे करेंगे हम दांतों को। तो अभी आ गई हूँ मैं बगीचे में, और दांत ना ये देखिए मैंने साफ़ कर लिए अच्छे से, और अभी कुरला नहीं किया है, पर तो दांत साफ़ करते करते ही आ गई थी मैं ऊपर, क्योंकि ना फिर बहुत ज़्यादा धूप पड़ जानी थी, तो मैं सोचा कि थोड़ा सा ऐसे ही
डाली पत्ती लेके चलती हूँ गाय के लिए। घर का काम है ना जो मेरा, वो मैंने सारा कर लिया, सिर्फ बर्तन धोने को रहते हैं अभी, और अंदर ना झाड़ू वगैरह लगाने को रहता है, तो वो मैं वापस जाके करूँगी। सार्थक को नहलाना है, वो भी वापस जाके ही करूँगी। थोड़ी सी ले चलती हूँ गायों के लिए ना, हरी हरी सी पत्तियाँ अच्छा रहता है, तो यहीं पे देखती हूँ कहीं कहाँ काटती हूँ। तो आज मैं घर का काम करके ना जल्दी फ्री हो गई थी, अभी ना 9 ही बजे थे, 9:15 हुए थे, तो मैं सोचा कि चलिए थोड़ी बहुत डाली पत्ती लेके आ जाती हूँ। और वैसे तो ना घासण को जाती, पर बहुत ज़्यादा धूप पड़ जाती है ना, तो दूर चढ़ाई चढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और फिर अगर निकल जाऊँ ना सुबह ही तो फिर घर में भी पीछे मुश्किल हो जाती है, बच्चे जो है ना स्कूल को तैयार करवाने पड़ते हैं, नहीं तो लेट हो जाते हैं। तो बस यहाँ पे मैं लगी थी, कुछ तो नीचे ही है ना बिल्कुल, ये देखिए मैं आगे आगे से निकालूँगी इसकी ना, जो ताकि ये पेड़ ना और घना हो, मतलब बिल्कुल हम इसको जड़ से नहीं काट देते, थोड़ा आगे आगे से काटते हैं ताकि ये ना और ज़्यादा इसमें टहनियाँ और फैले आगे को, इस तरह से इसकी जो कटिंग है ना वो करते हैं हम लोग। और बस यहाँ पे डाली जो है वो मैंने काटती थी, तो उसके बाद मैं लगी थी यहाँ पे छिटाई करने के लिए इसकी, तो इसको ना छिटाई भी करना पड़ता है, मतलब बारीक करना ज़रूरी होता है इसको। तो यहाँ पे मैंने जो डाली है ना वो कर ही ली है थोड़ी थोड़ी, अभी करूँगी इसकी छिटाई करती हूँ, और फिर देखती हूँ कितना हो रहा है कितना। तो अब देखिए मैं आपको दो तरह का बांध जो है वो दिखाती हूँ। एक बांध होता है देखिए ये, जिसकी पत्तियाँ जो होती है ना, पहले अभी ये बनपावड़ी लगी हुई है तो थोड़े हल्के हरे रंग की है, और जब ये पक्की हो जाती है तो ये इस तरह की हो जाती है, देखिए पत्तों में फ़र्क है ना इन दोनों के कलर में, तो इस तरह की हो जाती है। और एक होता है ये वाला, देखो इसको बोलते हैं बानी, जो ये पीछे से सफ़ेद पत्ते वाला है ये है बान, और जो ये वाली है इसके पीछे से भी पत्ते हरे ही होते हैं, ये देखिए। तो ये देखिए पत्तियों में आप फ़र्क देख पा रहे होंगे, तो ये बान है सफ़ेद पत्तों वाला, और जो ये हरे पत्ते वाली है ये बानी है। तो यहाँ पे काटी मैंने, ये देखो थोड़ा सा ये काटा, कुछ बान की पत्तियाँ करी इधर उधर से इकट्ठी, तो थोड़ा सा हो ही गया है बस, और अभी मैं इसकी छिटाई करूँगी और फिर चलेंगे घर। तो ये देखिए जी, यहाँ पे गड्ढा लगा दिया मैंने, और यहाँ पे कुछ देखिए समदा भी होगी इसी से, कुछ डाली पत्ती भी होगी, कुछ समदा भी होगी। तो थोड़ी देरी बैठ जाती हूँ यहाँ पे, और ये देखिए होंठ ना, वो जो मैंने किया था ना अखरोट के पत्ते से दांत साफ किए थे, उससे यही होता है कि उससे ना होंठ वगैरह जो है वो लाल भी हो जाते हैं, मतलब जल्दी अगर कुरला नहीं करेंगे ना तो थोड़े फट भी जाएंगे, लेकिन दांतों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। पहले ना ये टूथपेस्ट वगैरह ये कुछ नहीं होता था, तो जैसे तिम्बर की दांतड़ होगी, पाजे की दांतड़ हो गई, और साथ में अखरोट की दांतड़ होगी ना, तो उसी से करते थे लोग दांत साफ़, और लोगों के दांत जो है ना वो 60-60 साल 70-70 साल तक नहीं टूटते थे, पूरे के पूरे दांत होते थे। अब जितना ही ज़्यादा सुविधाएं हैं ना, ये टूथपेस्ट है, ब्रश है, उतनी ज़्यादा बीमारियां भी है दांतों की, कहीं RCT करवाई जा रही है, कहीं फिलिंग करवाई जा रही है, तो ये पहले कुछ नहीं होता था, लेकिन पहले के लोग जो है ना, मतलब हर चीज़ रियल होती थी, प्राकृतिक होती थी ना, उसमें कोई भी केमिकल नहीं होता था, और इस तरह से मतलब स्वस्थ होते थे पहले के लोग। और वही पुराना टाइम अगर वापस आ जाए ना तो कितना अच्छा हो जाएगा। हाँ ये है कि मतलब सहूलियत तो ना बहुत हो गई है, अभी देखिए गाड़ियाँ नहीं होती थी, पहले कहीं जाना होता था ना तो 2-2 दिन लग जाते थे जाने के लिए, 3-3 दिन, अब आप सुबह जाके शाम को वापस आ सकते हैं, है ना, तो ऐसा तो होता था, लेकिन ये है कि अब कितना हर चीज़ जो है ना मिलावटी है, हर चीज़ में मिलावट है, और खाद केमिकल मतलब कीटनाशक कितना ज़्यादा हर चीज़, तो हर चीज़ जो है ना वो जहर बन चुकी है एक तरह से ना, हम जहर खा रहे हैं। और बाकी दांत इससे भी अच्छे साफ़ हो जाते हैं,
तो मैं ज़्यादातर जैसे जंगल को आती हूँ ना, तो बस दान तुन वगैरह ऐसे ही कर लेती हूँ ज़्यादा। मेरा ये नहीं है रूटीन कि मैं सुबह उठ के ब्रश करूँगी। तो आज है पहला नवरात्रा और मेरी तरफ से नवरात्रि की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएँ। और क्या होता है ना कि 9 दिन तो हम नवरात्रि में माता की पूजा कर लेते हैं और उसके बाद ना फिर वही पुराना जो रूटीन होता है ना वही फॉलो हो जाता है। तो भाई सिर्फ नवरात्रों में ही हम माता की पूजा ना करें, हम कन्या के रूप में पूजते हैं ना माता को। देखिए कन्या जो है मतलब वो जो एक तरह से औरत जो है ना उसको देवी स्वरूप माना गया है। तो 9 दिन तक हम उनकी पूजा करते हैं और बाकी के दिन में हम उनको कुछ भी बोल सकते हैं, है ना, परमिशन होती है पूरी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, है ना। और औरत का सम्मान हमेशा होना चाहिए हर सूरत में। ऐसा ना हो कि हाँ आप अपनी बेटी से तो बहुत प्यार करते हो लेकिन कल को जब आपके बहू आए तो आप उसको ऐसे सोचे कि ये तो बस ऐसे ही है ना। मैं ज़्यादा क्या बोलूँ इस बारे में। होता है कई जगह पे ना बेटी को सोचते बेटी कि हाँ बेटी को ससुराल ऐसा मिलना चाहिए कि वहाँ पे भाई उसको काम ना करना पड़े, है ना, वहाँ पे नौकर हो। और ज़्यादातर तो ऐसा सोचते हैं लोग कि बस मतलब अपना ही हो उसको करने को। और जब वो बहू लाते हैं ना तो सोचते कि बहू ऐसी आनी चाहिए कि घर परिवार संभाले, सबकी सेवा करे, खूब काम करे, है ना, मतलब ऐसे इस तरह से। कितनी दोगली सोच हो जाती है ना हमारी, जो हम अपनी बेटी के लिए अगर ऐसा चाह रहे हैं कि उसको काम ना करना पड़े, उसको ऐसा मिले वैसा मिले, तो जो हमारे घर में अपनी बेटी को ब्याएगा वो भी तो ऐसे ही सोचेगा ना। तो कितनी वो सोच होती है ना हमारी, तो सोच को ना थोड़ा सा बदलने की ज़रूरत है। क्योंकि जो हमारी बहू है वो भी तो किसी की बेटी है और जब हमारी बेटी कल वो किसी की बहू बनेगी वहाँ पे उसके साथ कैसा बिहेव होता है, तो आपको फटाफट से लगता है कि हमारी बेटी को ऐसा बोल दिया। और आप कितना कुछ बोलते होंगे अपनी बहू को, तो ये भी सोचना पड़ता है। तो इस तरह की थोड़ी थोड़ी ना अगर हम सोच ले बातें ना तो ज़िंदगी कितनी आसान हो जाएगी। तो सब नहीं होते ऐसे लेकिन भाई कुछ होते हैं, क्योंकि देखा है मैंने ना कई जगह पे देखा है, तो कुछ लोग होते हैं इस तरह से। तो थोड़ा सा बदल लेना अगर खुद को, थोड़ा सा आसान हो जाए ज़िंदगी जीना। और बाकी सब कुछ अच्छा है, बढ़िया है, मस्त है, भगवान ने बहुत अच्छा। देखिए हमारे पास 2 हाथ है, 2 आँखें हैं, कान है, सारे अंग सही सलामत है, तो बहुत ही भाग्यशाली हैं हम। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास हाथ पांव मतलब है ही ना, कि किसी के पास हाथ नहीं होता, किसी के पास पांव नहीं होता, किसी के पास आंखें नहीं होती, कोई बोल नहीं सकता, किसी का दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा है। तो हमें तो भगवान ने बहुत ही ज़्यादा मतलब भाग्यवान बोलते हैं ना कि भाग्यवान बनाया हुआ है। तो अपनी हर एक चीज़ का ना अच्छे से यूज़ करना चाहिए, मतलब जिसका अपने लिए तो अच्छा हो ही हो लेकिन किसी और के लिए बुरा ना हो, यही कोशिश करनी चाहिए हमेशा। और वैसे इंसान गलतियों का पुतला है, गलतियाँ तो होती रहती हैं लेकिन ये है कि उन गलतियों को माने और उनसे सीखे ना तो बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाए सभी के लिए जीवन। तो चलिए बस ज़्यादा बातें नहीं करूँगी और अभी व्लॉग का एंड जो है मैं यहीं पे करूँगी। उसके बाद दिन में मैं कुछ भी कैप्चर करूँगी तो वो नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। तो चलिए मिलूँगी आपसे एक और प्यारे से व्लॉग के साथ। बाय।